ऑरिजिनल कॉन्प्ट है ऑरिजिनल स्टोरी है वी शुड ऑलवेज अप्रिशिएट दैट अभी पहले के तो बहुत सारे रीमेक्स वगैरह ये सब बनते थे हॉलीवुड से कॉपी करके या तमिल का रीमेक एंड ऑल दैट बट नाउ ये ऑरिजिनल कॉन्सेप्ट एंड वी दिस अप्रिएटरी कहानी पूरी बहुत जबरदस्त है वो बांध के रखती है व्हाट विल नेक्स्ट वो पता नहीं चलता और नेचर के साथ कैसे कनेक्ट रहना चाहिए वो ये कहानी से सीख मिलती है यूनिक स्टोरी है और सबको देखनी चाहिए फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ और कृति सनन का काम बहुत बढ़िया है लव यू The film was really nice. It's a different sort of experience, different sort of story. So loved it. Kahani is the hero of the film. I mean, kahani hai jo is film ko us level pe leke gaya hai. तो artist तो obviously अच्छा है और director ने तो बहुत अच्छी काम की है, but kahani में बहुत तगड़ा दम है। अगर मैं overall movie की बात करूँ तो uh, जो movie का direction है, वो बहुत अच्छा। Amar Kaushik जिन्होंने three movie बनाई थी, बाला movie बनाई थी, direction बहुत अच्छा है। सिनेमाटोग्राफी बहुत ज़्यादा अच्छी है जिष्णु भट्टाचार्य जी की वो भी अच्छी है और उसके बाद आ, म्यूजिक सचिन जिगर का बहुत अच्छा है तो मूवी में हॉरर भी है और कॉमेडी भी है कहानी ने शुरू शुरू में मुझे थोड़ा कम अटैच हुआ लेकिन बीच में जैसे जैसे अभी अभिषेक बनर्जी की कॉमेडी देखी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा बढ़िया मूवी है भेड़िया वही इच्छाधारी भेड़िया रहता है उसमें वो इतनी खास नहीं लगी बहुत ही अच्छी लगी यहाँ पे केमिस्ट्री थोड़ी अलग है वेट पीपल गो एंड वॉच द मूवी दे विल अंडरस्टैंड डिफरेंट काइंड ऑफ केमिस्ट्री है एंड इट्स रियली नाइस सुपर वरुण कृति सेनन का काम बहुत बढ़िया है अभिषेक बनर्जी ऑफकोर्स बट हाँ वरुण धवन और कृति सेनन ने बहुत अच्छी काम की है नो डाउट एंड बाकी सब ने सब ने अच्छा काम किया बट आई पर्सनली लाइक अभिषेक का काम आई थिंक वरुण एक ऐसे एक्टर है जो हर नया जॉनर ट्राई कर रहे हैं एक्शन हो बदलापुर में या कॉमिक टाइमिंग हो जगजुग दियो में और वो आ, लोग उनको इतना ट्रोल करते हैं बट वो अपने आप को साबित करते जा रहे हैं वो बहुत सिंसियर एक्टर हैं तो उनकी सिंसियरिटी नजर आती है हमें प्रीति सेनन की केमिस्ट्री तो बहुत बढ़िया है प्रीति सेनन का रोल और बड़ा हो सकता था बट लास्ट में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है क्लाइमेक्स में तो ठीक है कृति जस्टिस टू रोल पोर्टिंग कास्ट में मुझे दीपक डोभियाल का रोल बहुत अच्छा लगा अभिषेक बैनर्जी भी बहुत उमदा एक्टर है मुझे राजकुमार राव और अपा शक्ति खुराना का कैमियो बहुत अच्छा लगा वरुण एज भेड़िया जब उनका कन्वर्सेशन था वरुण से भेड़िए में वो काफी अच्छा था वैसे जो वरुण धवन जो पहले काम किया ना फिल्मों में उससे बेटर काम इसमें किया मेहनत भी है मेहनत की है फूल है गुलाब का चमेली का मत समझना आशिक हूँ आपका सहेली का मत समझना कीर्ति जी वरुण धवन के इसे तो आए हम लोग देखने 4.9 4.8 अगर आप वरुण धवन को पूछे तो मैं 4 स्टार्स दूंगा आउट ऑफ 5 525. 5 2 5 5 आउट ऑफ 4 दे दूंगा मैं 5 आउट ऑफ 2 देखो फिल्म के अंदर मुझे कमी तो कोई नजर नहीं आई लोकेशन भी अच्छी है डायरेक्शन भी अच्छा है फिल्म में तो 5 में से 5 ही दूंगा 4 4.1 प्रकृति के बिना प्रगति नहीं हो सकती एट द कॉस्ट ऑफ़ नेचर यू के नॉट डेवलप यू कैन नॉट डू डेवलपमेंट इन योर कंट्री तो नेचर को हर सस्टेनेबल इन्वायरमेंट का सोशल मैसेज है ये जो बैकड्रॉप में ये जो इतना कुछ दिखाया गया है मेन मुद्दा है प्रकृति का नेचर का तो उसको बचा के रखिए ताकि कमिंग जनरेशन को वो फेस क्राइसिस ना फेस करना पड़े